ये मेंस चैप्टर को आगे जाने से पहले कुछ बेसिक फंडा जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में देखना चाहते हैं। पहला हुआ, व्हाट वाज ए रेक्टेंगुलर स्लैब। कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लोग स्लैब कब कहते थे? आपको कि जब सर इसका शेप कुछ ऐसा होता था तो इसको स्लैब कहते थे, इसका मतलब शेप ऐसा होगा तो इसको स्लैब नहीं बोलेंगे क्या, या फिर शेप कुछ ऐसा होगा तो इसको स्लैब नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, क्या था डेफिनेशन स्लैब का? स्लैब हम किसको कहते? स्लैब के बारे में हम देखे थे क्या, द इंसिडेंट सरफेस, इमर्जेंट सरफेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम आर पैरेलल, तो हम इसको कहेंगे स्लैब। जिस सरफेस पे लाइट गिर रहा है, जिस सरफेस से लाइट निकल रहा है, वो दोनों पैरेलल है। दूसरा चीज स्लैब के बारे में क्या याद कर लेंगे? अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक स्लैब है, इसका थिकनेस टी है, कोई लाइट रे ऐसे गिरा, ऐसे आके ऐसे जाता था, एंड यू सी दैट देयर वाज ए लेटरल शिफ्ट, मतलब लगता है कि रे शिफ्ट कर गया भाई, ये डिस्टेंस डी, दिस लेटरल शिफ्ट। अगर ये आई है एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल आर है, तो आप जानते हो, तो आप क्या कहोगे कि लेटरल शिफ्ट इसमें क्या होता था, इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू टी सेक आर इनटू साइन आई माइनस आर। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें आई और आर क्या है? आई तो है इंसिडेंट एंगल, आर इज रिफ्रैक्टिंग एंगल। ओके, तीसरा चीज हमें समझ में आया, फॉर ए थीन स्लैब, मतलब टी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, टू बी नो लेटरल शिफ्ट। हाँ ऑब्वियस है भाई, क्योंकि ये तो आपका टी के ऊपर डिपेंड करता है, टी हो गया थिकनेस, तो इसमें किसी को दो राय नहीं है, सब कुछ समझ में आया। ठीक है, और क्या देखे थे? थोड़ा सा फ्रीजिंग के बारे में। मैं क्यों बता रहा हूं, आगे आगे आपको पता चलेगा, यूजिंग ए स्लैब एंड फ्रीजिंग में लेंस बनाने वाला हूं। तो फ्रीजिंग के बारे में क्या कहेंगे, फ्रीजिंग के बारे में क्या कहे थे, फ्रीजिंग के बारे में देखे थे कि इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर प्लेन प्लेन है बट नॉट पैरेलल। ठीक है, प्लेन है लेकिन पैरेलल नहीं है। जैसे ये एक सरफेस से कोई लाइट रे गिरेगा और निकलेगा, ये सरफेस भी प्लेन है, यहां से भी निकल रहा है, ये सरफेस भी प्लेन है, ये सरफेस भी प्लेन है, लेकिन पैरेलल नहीं है। ठीक है, इसको आप फ्रीजिंग कहेंगे। और बता दें आपको, इसको एक्सटेंड करो तो जहां पर वो मिलेंगे उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रीजिंग। मैं अभी आप लोगों को फ्रीजिंग नहीं पढ़ाया, लेकिन अब बोले तो लेंथ में, इसलिए मैं लेंथ में आ गया, कहोगे तो फ्रीजिंग बाद में पढ़ा देंगे। तो व्हेन द इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर नॉट पैरेलल बट दे आर प्लेन, देन यू से द एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रीजिंग एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए फ्रीजिंग। डिटेल्स में देखेंगे तब जब हम फ्रीजिंग के बारे में पढ़ेंगे। कोई फ्रीजिंग के बारे में मान लो कि कोई एक आइसोसेलेस फ्रीजिंग,
इसमें देखो तो सपोज हम केस लेते हैं ये कोई एक प्रिज्म है या फिर दो बार ड्रॉ कर लेते हैं ये सेम प्रिज्म है आई वांट टू सी सम इंसिडेंट रेज। सपोज कोई इंसिडेंट रे ए से आया तो ये इंसिडेंट रे आया तो आप क्या कहोगे दिस इज द नॉर्मल दिस इज द इंसिडेंट एंगल। अब अगर इसमें डेविएशन नहीं होता तो ये सीधा चले गया होता लेकिन ये जा रहा है किसी डेंसर मीडियम में तो ऐसे जाने की बजाय वो क्या करेगा द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल द रे विल गो समथिंग लाइक दिस। समझ में आया। अब जैसे आके रे यहाँ पे पहुंच गया जैसे आके रे यहाँ पे पहुंच गया हम लोग देख रहे थे ये नॉर्मल है ठीक है ये है नॉर्मल की सरफेस चिमनी यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करो यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करो ये हो गया नॉर्मल। अब ये जो रे अंदर से जा रहा था ऐसे अब ये बाहर निकलेगा बट बाहर तो रेडार मीडियम है बेंड अगर डेविएशन नहीं होता तो ऐसे जाता बट नॉर्मल विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ये कुछ ऐसे जाएगा। हाँ सर लेकिन ये सब जान के हम क्या करेंगे बहुत कुछ करेंगे जस्ट वेट बहुत कुछ करेंगे हम लोग। चलो सेम प्रिज्म को मैं जो इंसिडेंट रे डालने वाला हूं वो थोड़ा दूसरा टाइप का डालता हूं मैं डालता हूं एक इंसिडेंट रे ऐसे ठीक है दिस इज द इंसिडेंट रे नाउ यू नो दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया नॉर्मल। अगर ये रे डेविएट नहीं करता तो ऐसे आता लेकिन डेंसर मीडियम में जा रहा है इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल सो इट विल नॉट गो लाइक दिस रेदर इट विल गो लाइक दिस बेंड कर गया टुवर्ड द नॉर्मल। आके मान लो कि आके पहुंचा थोड़ा सा फिगर को बढ़िया दिखाने के लिए मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं तो ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये रे ऐसे जाना चाहिए लेकिन वो बेंड होके कुछ दूसरे डायरेक्शन में गया ऐसे गया ठीक है बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल ये नॉर्मल है फिर यहां पर नॉर्मल हो गया ये। अब ये जब निकलेगा डेविएट नहीं करता तो ऐसे जाता गो इट इज गोइंग टू द रेरर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ओहो सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर रे चाहे कैसे भी गिरे इसके ऊपर क्या हो रहा है अल्टीमेटली इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस किसी एक सरफेस में प्रिज्म के केस में किसी भी सरफेस पे रे इंसिडेंट रे वो निकलता है कैसे बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस। तो क्या लिखेंगे इन दिस केस एनी रे ये फास्ट सरफेस है ये सेकेंड सरफेस है हा ये सेकेंड एनी रे इंसिडेंट इंसिडेंट ऑन सरफेस वन कम्स आउट ऑफ सरफेस टू एंड बेंड्स towards base क्या समझ में आया कोई भी रे गिरे ऐसा गिरे ऐसा गिरे ऐसा गिरे ultimately वो bend होके किधर जाएगा बेस की तरफ जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ के मैं आपका लेंस के बारे में बात करना चाहता हूं ठीक है समझ में आ गया। दो चीज क्या हुआ इन केस ऑफ ए थिन स्लैब देयर इज नो डेविएशन सॉरी नो लेटरल शिफ्ट इन केस ऑफ ए प्रिज्म any ray incident on one of the slant surface emerging out of the other surface bends towards the base हाँ अगर total internal reflection हो गया बात अलग है अंदर ही भाग जाएगा अगर निकला तो it will bend towards the base ठीक है तो इसको लेके आगे बढ़ेंगे। suppose हम कोई arrangement देखते हैं ऐसा वाला suppose ये है कोई prism ठीक है एंड दिस इज कनेक्टेड टू ए स्लैब ठीक है दिस इज अनदर प्रिज्म
थिंक ऑफ ए कॉम्बिनेशन लाइक दिस। अगर हम ऐसा एक कॉम्बिनेशन के बारे में सोचेंगे तो सोचो हाउ दिस कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बिहेव। आई विल कॉल दिस एज द प्रिंसिपल एक्सिस। एनी रे कमिंग हियर विल अल्टीमेटली बेंड टुवर्ड्स द बेस, गो लाइक दिस। एनी रे कमिंग हियर अल्टीमेटली गो टुवर्ड्स द बेस, लाइक दिस। क्योंकि ये प्रिज्म का बेस यहां है, ये प्रिज्म का बेस यहां है, एंड दे विल बी मीटिंग समवेयर हियर। सो द रेज चाहे कैसे भी गिरे तो हम कहेंगे ये आके इधर ही आ रहे। अगर मान लो कि हम कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है, यहां से निकल के कोई रे ऐसे आया, अल्टीमेटली बेंड करके इधर आएगा। ऑब्जेक्ट से निकल के कोई रे ऐसे आया एंड अल्टीमेटली बेंड करके इधर ही आएगा। सो व्हाट यू फाइंड, यहां से जितने सारे रे निकलेंगे दे विल बी ऑल कन्वर्जिंग एट द सेम पॉइंट। और अगर रे ऐसे गया, हाँ अगर ये थीन है, दिस इज ए थीन स्लैब, तो क्या होगा, कोई डेविएशन होगा, कोई लेटरल शिफ्ट नहीं होगा, स्ट्रेट वे गो लाइक दिस। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, दिस अरेंजमेंट इज बिहेविंग एज एन अरेंजमेंट ऑफ कन्वर्जिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो हम क्या कहेंगे इसको, कन्वर्जिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये अरेंजमेंट को हम कहेंगे कन्वर्जिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। केस बदल देते हैं, आई गो फॉर ए केस लाइक दिस। दिस इज व्हाट इज ए प्रिज्म, ठीक है, ये हो गया और दूसरा स्लैब, ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रिज्म। अब सोचो अगर मैं इसको कहता हूं एक अरेंजमेंट ऐसे, यहां पर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट से रे चारों तरफ जाएगी, इधर जो रे जाएगा वो बेंड होने के बाद इधर भागने की कोशिश करेगा, है ना, और इधर जो रे आएगा क्योंकि वो बेंड होके किधर जाएगा, बेस की तरफ जाएगा, इधर जो रे आएगा वो बेंड होके इधर जाएगा। सो व्हाट यू फाइंड, द रेज आर डाइवर्जिंग, हाउएवर इफ यू एक्सटेंड दे मे अपीयर टू मीट एट सम पॉइंट। समझ में आ क्या, सो व्हाट यू फाइंड, द रेज आर डाइवर्जिंग, तो आप कहोगे डाइवर्जिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। ऐसा ही सोच के हमें क्या किया, हमें अब ये बनाना है, थोड़ी हम दो प्रिज्म और एक स्लैब लेंगे जोड़ेंगे, हम कोई एक ग्लास को लेंगे ऐसा कुछ शेप दे देंगे, ऐसा कुछ शेप दे देंगे, ऐसा कुछ शेप दे देंगे, तो हम चाहेंगे कि ये स्लैब वाला पार्ट काफी छोटा हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये लेटरल शिफ्ट हो जाएगा, हो सकता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि स्लैब वाला पार्ट काफी छोटा हो जाए। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ए सरफेस लाइक दिस, जिसको आप कहोगे कन्वर्जिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम, कन्वर्जिंग लेंस। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ए अरेंजमेंट लाइक दिस, यू कॉल इट ए डाइवर्जिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया। तो हमें इस किस्म की चीजों की जरूरत पड़ा, इस किस्म की चीजों की जरूरत पड़ा क्या करने के लिए, कि कोई भी पॉइंट से आता हुआ रेंज को कन्वर्ज करवाने के लिए या फिर डाइवर्ज करवाने के लिए, कन्वर्ज करवाने के लिए या फिर डाइवर्ज करवाने के लिए हमें इस किस्म की चीजों की जरूरत पड़ा, जिनको हम नाम देंगे लेंस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए लेंस। और ये क्या, इट इज ए सॉलिड वन, इट इज मेड अप ऑफ मान लो ग्लास और ए मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। मान लो कि ये कोई वाटर बबल है उसी शेप का, इसी को पानी के अंदर डुबाएंगे, इधर 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 बराबर होगा तो रिफ्रैक्शन क्यों होगा, अगर तीनों जगह बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा देन बी नो रिफ्रैक्शन, लाइट तो सीधे सीधे जाएगा, क्योंकि लाइट तो बाउंड्री पे, किसके बाउंड्री, रेरर और डेंसर मीडियम की बाउंड्री पे रिफ्रैक्ट करता है, और सेम मीडियम रह जाएगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं, सीधे ही पार हो जाएगा, नो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इफेक्ट विल बी सीन। सो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग इफेक्ट विल बी सीन इफ
A transparent medium has its refractive index different from its surrounding and the surfaces are curved. अभी तक प्रिज्म में और स्लैब में क्या देख रहे थे? The surfaces, emergent and incident surfaces are plane. But हम देख रहे हैं ये curved है. समझ में आ गया? A transparent medium having refractive index different from its surroundings and at least one surface means out of incident and emergent surface ये दोनों सरफेस में से और out of incident and emergent surfaces in the shape of a curve is called a lens. So lens क्या है? जो किसी एक सरफेस इंसिडेंट और इमर्जेंट सरफेस में से किसी एक सरफेस अगर कर्व रहेगा तो हम कहेंगे ये लेंस है. ठीक है, और ये स्फेरिकल लेंस है, मतलब दिस शेप विल बी स्फेरिकल इफ द कर्व सरफेस इज spherical, then it is called a spherical lens. Spherical lens. क्या at least one surface spherical होना? ठीक है. One surface spherical होना है तो फिर नाम कैसे देंगे? बहुत सारे वैरायटी के नाम बन सकते हैं. नाम कैसे देंगे? नाम देंगे ऐसे, कैसे? द सरफेस हैविंग ग्रेटर रेडियस is used as prefix of name of lens. ठीक है, तो आप कहेंगे सपोज ये कोई एक सरफेस है प्लेन, दूसरा सरफेस ऐसा, तो ऑब्वियसली कोई प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है, तो इसका रेडियस ज्यादा है, प्लेन है, ये कन्वेक्स है, इधर प्लेन है, इधर कन्वेक्स है, नाम पड़ेगा प्लानो कन्वेक्स. इसको प्रीफिक्स में दिया गया क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस ज्यादा है. ठीक है, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक सरफेस ऐसा है, दूसरा सरफेस ऐसा है, तो हम कहेंगे ये वाला सरफेस प्लेन है और ये वाला सरफेस कॉनकेव है, तो हम क्या कहेंगे? प्लानो कॉनकेव. देखो, ठीक है. तीसरा हुआ, सपोज हम कहेंगे ऐसा है, ये दोनों सरफेस कन्वेक्स है, मान लो कि दोनों का रेडियस बराबर है, तो ये भी कन्वेक्स है,
ये भी कन्वेक्स है, इसको कहेंगे बाय कन्वेक्स लेंस, सिमिलरली आएगा बाय कॉनकेव लेंस। सपोज हम कहेंगे ऐसा है, मान लो कि ऐसा है कोई लेंस दिखने में, ये कन्वेक्स सरफेस है, ये कॉनकेव सरफेस है, लेकिन कौन सा सरफेस का रेडियस ज्यादा दिख रहा है? ये सरफेस का रेडियस ज्यादा दिख रहा है, ऐसा 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 ज्यादा, इसका रेडियस तो कम दिख रहा है, तो जिसका ज्यादा है उसका नाम पहले लेते हैं, क्या कहेंगे? कॉनकेव कन्वेक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक दिस नेमिंग ऑफ लेंसेस आर मेड, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा रहता है उसका नाम को प्रीफिक्स में दिया जाता है। समझ में आया? अगर हम कोई थीन स्लैब की बात करेंगे, कोई रे ऐसे आ रहा है, अगर स्लैब का थिकनेस को जीरो नहीं कहेंगे तो ये ऐसे आके ऐसे चले जाएगा, हियर विल बी अ स्मॉल लेटरल शिफ्ट, लेकिन इफ दिस इज वेरी थीन तो हम बात करेंगे ऐसे रे ऐसे जा रहा है। कहां पे आने से? ये बीच वाला स्लैब वाला पोर्शन में आने से। स्लैब वाला पोर्शन कहां है? सोचो तो, ये लेंस का स्लैब वाला पोर्शन कहां है? स्लैब वाला पोर्शन ये छोटा सा, उसके ऊपर कर्व, इसके नीचे कर्व है ना? अच्छा, तो हम कहेंगे कि अगर इसी में से कोई रे ऐसे जा रहा है और ये बहुत थीन है तो ऑब्वियसली इट विल गो लाइक दिस अनडेविएटेड। तो लेंस के बारे में जब हम बात करेंगे, हम इसमें इंपोर्टेंट चीजों को पहले नोट करेंगे। फैक्ट्स अबाउट थीन स्फेरिकल लेंस, इंपोर्टेंट, थीन है, स्फेरिकल है, क्या सारा लेंस स्फेरिकल होते? अरे नहीं, पैराबोलिक भी हो सकते हैं, किसी भी सब शेप के हो सकते हैं, कर्व होना जरूरी है, स्फेरिकल होना जरूरी नहीं है। हाँ, हम स्फेरिकल लेंस की बात करें। पहला पॉइंट नंबर वन, ठीक है, इसको पॉइंट नंबर वन करते हैं। कुछ इंपोर्टेंट चीजें देखेंगे, क्या ए पॉइंट इन लेंस थ्रू व्हिच एनी रे पासिंग थ्रू पासिंग गोज अनडेविएटेड, गोज अनडेविएटेड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा पॉइंट है? अभी अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, अगर ये ऐसा कोई रे है, ऐसा कोई थीन लेंस है, तो आप देखोगे इस पॉइंट से पास करता हुआ कोई भी रे वो बिना डेविएट हुए जाएगा। सो दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऐसा कोई थीन लेंस है, समझाने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए कभी कभी हम इसका पेट बड़ा कर देते हैं, बट हम अंडरस्टैंड लीजिए, थीन लेंस, ये पॉइंट से कोई रे जा रहा है, इट विल गो अनडेविएटेड, देन दिस पॉइंट विल कॉल एज ऑप्टिकल सेंटर सी। ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं? समझ में आ गया, ठीक है। बिट नंबर टू, द नॉर्मल टू दी लेंस सरफेस पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड
प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है आपको समझ में आ गया, फिगर बनाने की क्या जरूरत है। बिट नंबर थ्री, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू ए लेंस, दे मे मीट एट ए पॉइंट और दे मे मीट और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। जैसे सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक लेंस है, अगर ऐसे पैरेलल रेज आने लगे तो ये पैरेलल रेज आप देखोगे आपका रिफ्लेक्शन, दे आर मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो आप इसको कहोगे क्या, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, दे आर मीटिंग हियर और इट मे हैपन कि हियर इज ए लेंस। ठीक है, हियर इज ए लेंस समथिंग लाइक दिस, this is what is the principal axis, a number of rays come and they diverge, number of rays come and they diverge and they are diverging, if you extend them they are appearing to meet at some point here, you call it focus. Okay, if the rays really converge you call it a converging lens, rays diverge you call it a diverging lens. तो फोकस किसको कहते हैं, द पॉइंट वेयर रेज आर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा फॉर्मूला है क्या, फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर सी एंड फोकस एफ इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, इसको हम इसका फोकल लेंथ कहते हैं, समझ में आ गया। अगर प्रैक्टिकली हमें पूछा गया है कि बताओ वेयर इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, तो मैं कोई एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, कीड़ा मत समझना ये सोर्स ऑफ लाइट है, और ये लेंस है जिसका प्रिंसिपल एक्सिस को इसके साथ ले लिया, और मैं यहाँ पर कोई एक स्क्रीन को या फिर कोई एग्जाम बोर्ड को इसको ऐसे ऐसे मूव करवाया, जब मैं मूव करवाया आप देखोगे पर्टिकुलर पोजिशन में आप देखोगे यहाँ पर एक स्पॉटलाइट बना, मतलब जितने रे आ रहे हैं यहां से दे आर कन्वर्जिंग टू ए सिंगल पॉइंट,
then you measure this distance, this will be called the focal length. समझ में आ रहा है क्या? अगर ये स्क्रीन को यहां से हटा के यहां पर ले आए तो एक बड़ा स्पॉट बनेगा, यहां पर ले आए तब भी बड़ा स्पॉट बनेगा, बट एग्जैक्टली दिस पॉइंट यू विल गेट ए शार्प पॉइंट. तो आप कहोगे जहां पर शार्प पॉइंट फॉर्मेशन हुआ वहां पर आपका फोकल लेंथ, अब वहां पर आपका फोकस है, क्योंकि फोकस इज द पॉइंट, फिर ऑल रेज आर कन्वर्जिंग. तो आप क्या कहोगे, ये सारा रेज बन गया, तो दिस डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ. ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट की होगे यूजिंग सनलाइट, यू कैन बर्न ए पीस ऑफ पेपर यूजिंग ए कन्वर्जिंग लेंस, है ना? आप की होगे इसको बिट नंबर 2. बिट नंबर 4 में हम देख लिए फोकल लेंथ क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इमेज क्या है, यहां पर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात करेंगे. रिफ्लेक्शन में इमेज कहां फॉर्मेशन होता था, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मिलते थे. रिफ्रैक्शन में इमेज कहां फॉर्मेशन होगा, जहां पर दो रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगे. अब ये रेज अगर इधर से आया तो इधर बना फोकस, रेज इधर से आते तो इधर बना बनता फोकस, है ना? तो हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि ए लेंस हैज टू फोसी ऑन वन ऑन इच साइड. ठीक है, इफ मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ लेंस, मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ लेंस इज सेम आर सेम देन फोकल लेंथ इज सेम ऑन बोथ साइड. मतलब अगर हम कहेंगे ये मीडियम है, कोई लेंस है, ये एयर है, ये एयर है, इधर एक फोकस है, इधर एक फोकस है, तो आप कहोगे ये डिस्टेंस बराबर है. लेकिन सपोज ये एक लेंस है और ये एयर है, ये मान लो कि वाटर है, और आप कहोगे इधर फोकस है एक, इधर फोकस है दूसरा, इधर लेंथ है एफ वन, इधर लेंथ है एफ टू, देन एफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ टू. याद रखना, याद रखना कि फोकल लेंथ ऑन आइदर साइड विल नॉट बी सेम. अब दोनों तरफ मीडियम बराबर होगा तो फोकल लेंथ सेम होगा, सर दोनों तरफ मीडियम डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे? ओ देर की चीज है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला. ये तो हम लोग लेंस बनाने के बाद देख लिए, कोई लेंस का फोकल लेंथ मेजर करना आपको आ गया, लेंस पकड़ लो, बोर्ड को मूव करो जहां पर साफ इमेज बनेगा. नहीं, हमें एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाना है, तब तो फंस गया ना. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, डिस्क्रेट्स फॉर्मूला उसको कहते हैं. वो अभी नहीं, वो बाद में. अगर लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, ये रेडियस इतना होना चाहिए कि क्या फोकस होगा, वो हम बाद में देखेंगे. जैसे अगर मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से दे देता हूं, तो आप कहोगे यहाँ पे जो वन बाय फोकल लेंथ होता है, अगर एफ वन एफ टू बराबर है, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी टू म्यू माइनस वन बाई आर. म्यू क्या है इसका, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा फॉर्मूला होता है, मैं क्या करूं. ठीक है, वन बाई एफ इज इक्वल दिस, और आप कहोगे एफ इज आर बाय टू म्यू माइनस वन. ठीक है, ऐसा किस में ऐसे होता है. सो म्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर सबके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ये सब चीजें भी अभी ध्यान नहीं देना है. बिट नंबर 5 में हम देखेंगे व्हाट इज द पाथ ऑफ ए रे पासिंग थ्रू ए लेंस, पाथ ऑफ ए रे पासिंग थ्रू ए लेंस. ठीक है, चलो देखते हैं. बीट नंबर 5, पाथ ऑफ रे
passing through a lens. पहला हुआ कि क्या रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू क्या एफ, वही तो डेफिनेशन की है ना। मतलब ये अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो किधर से जाएगा, विल गो थ्रू दी फोकस। ये समझ में आया, ठीक है ना, थोड़ा बढ़िया से दिखते हैं, अच्छा दिखेगा। क्या हुआ रे इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्टेड रे देन रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। हाँ, कोई बड़ी चीज तो है, मतलब अगर ये हुआ लेंस, ये हुआ कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, हाँ एक रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन जाएंगे। इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सी मतलब प्रिंटिंग ऑप्टिकल सेंटर इट पासेस ऑन डेविएटेड मतलब ये हो गया, अगर कोई रे ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तीसरा हुआ इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस देन रिफ्रैक्टेड रे goes parallel to principal axis। मतलब अगर ये हुआ lens, कोई रे अगर ऐसे करते हैं, अगर ये मान लो हुआ lens और अगर कोई रे, ये है फोकस, आप जानते हो, अब अगर इधर से आया फोकस से गया, इधर से आएगा तो ऐसे जाएगा, वही बात है, मान लो ये है फोकस तो हम कहेंगे इधर से आता हुआ कोई रे बिल्कुल लाइक दिस, ये हो गया फोकस। सो इधर नॉलेज ऑफ थ्री रेज, हमें इमेज का लोकेशन पता करना है, इमेज कहां पर लोकेटेड होगा, वेयर द रिफ्रैक्टेड रेज विल मीट। रिफ्रैक्टेड रेज जहां मिलेंगे वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग बिट नंबर 5 अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो इमेज कहां पर फॉर्मेशन होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। नाउ इन बिट नंबर 6 देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। द इमेज इज फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर मिलते हैं वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इफ द रेज रियली कन्वर्ज
image is called real image. ये real image formation होता है, देख लो ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ. कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखें, इसका इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ये हो गया चलो मानते हैं फोकस, ये हो गया चलो मानते हैं फोकस, है ना. अब अगर कोई रे ऐसे आएगा, गो लाइक दिस, कोई रे अगर ऐसे आएगा, गो अनलिमिटेड, कोई अगर रे ऐसे आएगा, गो लाइक दिस. सो यू सी द रेज आर ऑल कन्वर्जिंग टू द सेम पॉइंट. तो इमेज विल बी फॉर्म हियर एंड दिस इज व्हाट इज ए रियल इमेज. दिस इज व्हाट इज ए रियल इमेज. हमें दो रे चाहिए था इमेज का लोकेशन जानने के लिए, दो रे जहां पर मिलेंगे बाकी सब भी वहीं पर मिलेंगे. कहने का मतलब हुआ अगर मैं एक चौथा रे ले लेता हूं इस केस में, से आई टेक ए रे लाइक दिस, सर इसका रिफ्रैक्शन कैसे होगा मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि रिफ्रैक्ट करने के बाद विल पास थ्रू दिस पॉइंट, ऑल द रेज इंसिडेंट ऑन दिस विल पास थ्रू द सेम पॉइंट. ठीक है, अगर आपको इसे दे दिया गया, यहाँ पर एक रे दे दिया गया, कंप्लीट रे डायग्राम, आंख बंद करके इसको यहाँ से इस पे जोड़ना है, क्योंकि ये लोग जहां मिल रहे हैं वो भी उधर से पास करेगा. तो ये जो इमेज बना उसको आप क्या कहोगे, रियल इमेज. क्या मिला देखो तो, रियल इन्वर्टेड. आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, आप याद रखो ए रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. प्रूफ भी करेंगे आगे, ये नहीं प्रूफ नहीं करेंगे, विशल प्रूफ, ए रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस हुआ, रियल इमेज कहां बना. मिरर के केस में रियल इमेज बन रहा था इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नहीं, यहां पर रियल इमेज कहां बन रहा है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. इट फॉर्म्स ऑन द बिग साइड ऑफ लेंस. अगर फ्रंट साइड में ऑब्जेक्ट है, बिग साइड ऑफ लेंस, बस यही अंतर है लेंस और मिरर में. रियल इमेज उसमें मिरर के सामने होता है, ये लेंस के पीछे होता है. ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज ए रियल इमेज. इफ द रेज अपीयर टू कन्वर्ज एट सम पॉइंट, दे डू नॉट रियली मीट बट अपन एक्सटेंशन दे अपीयर टू कन्वर्ज एट सम पॉइंट, देन इन दैट केस व्हाट टाइप ऑफ इमेज, लेट अस सी द रे डायग्राम एंड कंक्लूड ऑन दैट. हम कहेंगे इफ द रेज डू नॉट कन्वर्ज बट appear to diverge from a point, then image is called, if the rays, मतलब कौन सा rays, if refracted rays, if the refracted rays, refracted rays appear to converge. हम बात कर रहे हैं इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन. सो इफ द रिफ्रैक्टेड रेज डू नॉट कन्वर्ज बट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, देन इमेज इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज मतलब It can be seen on by eye. This can be projected on a screen. ठीक है,
इसमें क्या देखिए, दिस इमेज कैन बी सीन बट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। इसको स्क्रीन के ऊपर डाल नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं, इधर इमेज को देख नहीं सकते। मतलब अगर हम कहेंगे ये कोई एक लेंस है, ये कोई एक लेंस है सा तीन डाइवर्जिंग लेंस, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, रे गया लेकिन ये तो भागा है ना, और कोई रे ऐसे गया ये तो भागा नहीं, और यहां पर से कोई रे गया वो भी तो भागेगा। तो आप देखोगे यहां पर जो रे जा रहे हैं इधर से Now you clearly see these rays are converging to a common point. You will see ये refracted ray तो इधर से जा रहा है, ये refracted ray is appearing to meet somewhere here, ये refracted ray is appearing to meet somewhere here. So the image is formed here. You see the image is formed here. क्योंकि ये ray इधर से converge करता हुआ नजर आ रहा है, ये ray यहाँ से, ये ray यहाँ से, लग रहा है कि इधर से निकलता हुआ सारा ray इस पॉइंट से निकल रहे हैं, इस पॉइंट से निकल रहे हैं। तो दिस इज ए वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड एंड व्हाट यू क्लियरली सी हियर द वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, तो हम क्या देखें, कहेंगे ये इमेज इज, ये क्या हुआ इरेक्ट वर्चुअल बन गया। यहां पर क्या था इन्वर्टेड रियल। अच्छा तो क्या कहेंगे इसमें कि ऑल वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट। वो तो तब भी होता था, कब मिरर के केस में, इट फॉर्म्स ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड में ये फॉर्मेशन होता है। समझ में आया, तो रियल इमेज कैसे फॉर्मेशन हुआ, वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्मेशन हुआ, शायद आपको समझ में आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में?